नमस्कार। तो एक और एनएमसी से नोटिफिकेशन आया था 4-5 दिन पहले, जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन आ गई लोगों में। भाई आज मेरे पास समय है तो मैंने सोचा कि आप लोगों की ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूं। और ये नोटिफिकेशन ये था कि 14 फरवरी से ये बैच चालू होगा ही होगा, जबकि हम सभी जानते हैं कि अभी तो तब तक तो काउंसलिंग का राउंड वन भी खत्म नहीं होगा। और बिल्कुल मैं आपको सीधी भाषा में बता रहा हूँ, यही देखिए इंडिया की ट्रेजेडी कह लीजिए कि जिस आईएएस ऑफिसर के साइन है इस लेटर के नीचे, मैंने तो उन आईएएस ऑफिसर का बैकग्राउंड भी निकाल लिया। और यही समस्या है कि वो इंसान जो शायद एजुकेशन को नहीं समझते हैं, जो सिस्टम को नहीं समझते हैं, अभी रिसेंटली वो इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री में थे, उनको यही नहीं पता कि एजुकेशन कैसे चलती है, मेडिकल एजुकेशन कैसे चलती है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। एक तरफ अभी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, लेकिन आप बैठे होंगे अपने 4 लोगों के साथ, क्योंकि ना एनएमसी इज ए गाइडलाइनिंग बॉडी। आपने गाइडलाइन दे दिया 14 फरवरी से बैच चालू कर दो और इस तरह खत्म कर दो, पूरा एक 5 साल का कच्चा चिट्ठा बना दिया। लेकिन जब काउंसलिंग ही मार्च एंड में खत्म होगी तो कैसे होगा? तो जो भी लोग इसको लेकर चिंता में है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो लेटर है ये कुछ भी नहीं है, ये इंडियन सिस्टम की वही इशू है कि जहाँ एक हाथ को नहीं पता कि दूसरा हाथ क्या कर रहा है। तो आप बिल्कुल ना सोचिए, चिंता कीजिए, 14 फरवरी से उनकी क्लासें लग जाएगी जिनका राउंड वन में हुआ है, और बाकी लोगों की बाद में होगी। सरदर्दी तो कॉलेज की हो जाएगी ना, अब वो 14 फरवरी से पढ़ाना शुरू कर देंगे 20% बच्चों को, क्योंकि तो पूरी इंडिया में राउंड वन में तो 20% एडमिशन होते हैं। फिर अगले बच्चे आएंगे और 20 दिन बाद, अगले बच्चे आएंगे और 20 दिन बाद। तो ये मतलब इसलिए मैं इनके वैसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे वो कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब चैनल्स पे, तो मैंने कहा 5-3 मिनट का बना दूँ। इसलिए मैं एक्चुअली इन इन नोटिसेस के वीडियोस नहीं बनाता कि मेरे लिए ये यूजलेस नोटिसेस होते हैं जिनका कोई तर्क है ही नहीं, कोई इस्तेमाल है ही नहीं। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 14 फरवरी से कुछ ना होने वाला, और जब तक आखिरी काउंसलिंग खत्म नहीं होगी 1 अप्रैल से पहले बैच चालू नहीं होगा। मैंने एक लाइन आपको बता दी, धन्यवाद।